गुड मॉर्निंग पंजाब, उम्मीद कर दिया तुसी सारे राजी खुशी हो गए, तुहाडी कुशलता रही। वाहेगुरु नूं हर वेले अरदास करदे आ। ते मैं अज पिछले दिनां च जो कुछ करनाले च होया उंदा सानूं बहुत ही दुख है। किसाना साडे किसान वीरां दी शहादत होर जिहड़े भी बेचारे साडे घायल हो गए ने उहनां दी सुकुशलता लई वाहेगुरु अगे अरदास करदे आ। जिहड़ा साडा इक वीर शहीद होया तुहाडी शहादत नूं हमेशा इतिहास विच पंजाब दे इतिहास विच सारा पंजाब सैल्यूट करता रहेगा और तुहाडे जज्बे नूं पंजाब स्टेट विमेन कमीशन सैल्यूट करता है। और उम्मीद करते हैं कि तुसी लोकतंत्र विच किसी नूं भी ए अधिकार नहीं है कि डेमोक्रेसी हर किसी नूं ए अधिकार है कि अपनी आवाज चुकन, पर किसी नूं ए अधिकार नहीं है कि तुहाडी आवाज नूं दबाया जाए या तुहाडे नाल इस हद तक जड़ी ये लाठी चार्ज होया है। और शर्मसार हो गया पूरा देश उस अफसर दी जिंदा वीडियो वायर हो रहे होया है। अपा अपील करते हैं भारत सरकार नु कि ए खुजे अफसरा नु इमीडिएटली सस्पेंड होना ही हले ए वाजिब नहीं है, जिथे इतना ज्यादा साडे देश दा साडी भावनावां नु ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। इमीडिएटली पंजाब स्टेट विमेन कमीशन अपने पूरे पंजाब दी तरफों अपील करता है भारत सरकार नू कि इस अफसर दी जिन्ने शर्मसार किता है पूरे भारत नू इनू इमीडिएटली डिसमिस किता जाए और किसी दी भी भावनावां नू, क्योंकि जदों एदा दा माहौल हुंदा है सारे देश दे पंजाबियां दी ते भावनावां है ही है सारे देश दीयां भावनावां नू और एक माहौल खराब करन दी कोशिश कीती जांदी है। उम्मीद करदी आं प्रधानमंत्री जी साडी इस अपील ते ध्यान देंगे, इहो जिहे लोकां ते इहो जिहे अफसरां ते नकेल पाई जाएगी। दूसरा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां लई एक मैसेज है कि तुहानूं अपने दायरे च रह के अपनी आवाज चुकन दा तुहानूं पूरा हक है, पर किसानां दी शहादत किसानां दी जड़ी एको अपने पिछले साल डेढ़ साल तो जो उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां जो उन्होंने स्ट्रगल है पॉलिटिकल पार्टियां उनका फायदा कभी भी नहीं चुकनगियां। किसान अपनी मर्जी नाल हक जिंदे नाल चलना चाहेगा चलेगा, पर तुसी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे कोई मौजूदा सरकार होए चाहे होर होन तुसी माहौल नहीं खराब करोगियां। तुसी आपां अज इलेक्शन कमीशन नूं लिखन जा रहे हां कि एक इहनां दा दायरा अपनी आवाज चुकन दा फिक्स कर दिता जाए जिंदे नाल, क्योंकि कानून तो ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जदों पॉलिटिकल पार्टियां इहो जिहे मुद्दियां नूं लै के धरने दिंदियां ने किते ना किते पंजाब दा आम आदमी भी सफर करदा है, किते ना किते माहौल खराब हुंदा है। कानून तो ऊपर कुछ भी नहीं है और प्रशासन नूं भी ध्यान रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, चाहे वो टीचर हो चाहे वो किसानी मुद्दे नु लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होए, महिलावां उत्ते अपनी एक भाषा दा और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लाठी चार्ज होया प्रशासन नु इस चीज दा ध्यान रखना पड़ेगा, कानून दे दायरे च रह के उना नु अपनी आवाज चुकन दा एक जो भी मौका दिता जांदा है फिक्स करे और प्रशासन ने सुनिश्चित करे कि किसी दे नाल भी हरासमेंट नहीं हुई। पिछे जो सोशल मीडिया ते दिखाया गया ये किसी एक पार्टी दी महिलावां दे नाल जो वाटर दे नाल पानी दे नाल जो बुछारा कीतियां गईयां वो गलत है, निंदनीय है। पंजाब स्टेट विमेन कमीशन अपनी पंजाब दी हर औरत दे लई आवाज चुकदा रहेगा। मैं उनकी कड़े शब्दां च निंदा करदी हां ते आपां चंडीगढ़ पुलिस तो इहदा जवाब भी मंगांगे और इलेक्शन कमीशन नूं चिट्ठी लिखांगे। पर फिर बार बार एक कह रही हां, एक कहावत बनी हुई है, जवान कहंदी है तू मैनूं मुंह कढ, मैं तैनूं शहरों कढ़ा। हुण चुनाव नजदीक आ रहे ने, पॉलिटिकल पार्टियां नूं एक चीज ध्यान रखनी पएगी कि जवान कहंदी है तू मुंह कढ़, कमीशन तेरे पिछे पिछे, ते ध्यान रखना पएगा सारिआं नूं। उम्मीद करदी हां तुसी सारे अपना ध्यान रखोगे। जय हिंद।